हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो इसलिए आज हम सनी पाजी की हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों के बारे में बात करेंगे। सनी पाजी ने अभी तक अपने करियर में करीब 90 फिल्मों में काम किया है। बॉर्डर, गदर और डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सनी देओल की इन 90 फिल्मों में से वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन गदर 2 से पहले सनी देओल की एक भी फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का नेट कलेक्शन नहीं कर पाई थी। जी हाँ, तो आज हम सनी पाजी की हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, घायल वंस अगेन, घायल 2। सनी पाजी की सुपरहिट फिल्म घायल की सिक्वल थी, जिसे खुद सनी देओल ने ही डायरेक्ट किया था। पिछली फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी गई थी, लेकिन 2016 में आई घायल वंस अगेन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। IMDB पर फिल्म को 6.2 की रेटिंग मिली है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। घायल 2 को 50 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 48 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था। वहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने करीब 56 करोड़ की कमाई की थी। एवरेज फिल्म है, लेकिन अभी ये फिल्म सनी पाजी की हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में नंबर 5 पर है। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 4, बॉर्डर। 1997 में आई सनी पाजी की ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बॉर्डर एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिसे अभी IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी, कलाकारों की एक्टिंग, JP दत्ता का डायरेक्शन और इसके गाने को काफी पसंद किया गया था। संदेश से आते हैं सॉन्ग तो आप सबने सुना ही होगा। 1997 में आई इस फिल्म को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 65 करोड़ की कमाई की थी। जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 63 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था, वहीं बाहर के देशों में बॉर्डर फिल्म ने करीब 2 करोड़ की कमाई की थी। तो बॉर्डर फिल्म ने करीब 65 करोड़ की कमाई की थी और अभी ये फिल्म सनी पाजी की हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में नंबर 4 पर है। आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। नंबर 3, यमला पगला दीवाना। यमला पगला दीवाना एक फैमिली एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसे समीर कर्निक ने डायरेक्ट किया था। यहाँ इस फिल्म में सनी देओल के साथ धर्मेंद्र और बॉबी देओल भी लीड रोल में नजर आए थे। सनी पाजी का एक्शन और बॉबी देओल के साथ जॉनी लीवर और धर्मेंद्र की कॉमेडी काफी अच्छी लगी थी। 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म को अभी IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है। फिल्म का बजट 13 करोड़ था, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 75 करोड़ की कमाई की थी। वहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 89 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो यमला पगला दीवाना नंबर 3 पर है, जिसने 89 करोड़ की कमाई की है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? ओए, इलाका कुत्तों का होता है, भेड़ के टके शेर का नहीं। नंबर 2, गदर। 2001 में रिलीज हुई सनी पाजी के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर को तो आप सबने देखा ही होगा। बॉर्डर की तरह ये भी इंडियन सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिसे अभी IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन बनी ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें सनी पाजी की एक्टिंग, फिल्म की कहानी और इसके गाने को काफी पसंद किया गया था। गदर का बजट करीब 13 करोड़ था, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 76 करोड़ की नेट कमाई की थी। वहीं 107 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और 13 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ की कमाई की है। तो गदर सनी पाजी की हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में नंबर 2 पर है। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, मैं नफरत भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। नंबर 1 पर कौन है, तो वो तो आप सब जान ही गए होंगे। पिछले 22 सालों में 30 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने के बाद आज सनी पाजी की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई है। सनी पाजी की पिछली हिट फिल्म गदर थी और उसके बाद गदर 2 हिट हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि गदर 2 अपने दम पर हिट हुई है, लेकिन आप मानो या ना मानो, गदर 2 के हिट होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है उसका टाइटल। सनी देओल की पिछली 22 सालों में 30 से ज्यादा फिल्में आई, लेकिन एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट नहीं हुई थी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, गदर 2 को 80 से 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है और अभी तक इस फिल्म ने करीब 450 करोड़ की कमाई कर ली है और मेरे हिसाब से इसका लाइफ टाइम 600 से 650 करोड़ तक जा सकता है। दुश्मनानु पूछो तारा सिंह कौन है। तो ये है सनी देओल की वो 5 फिल्में जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। आप क्या कहना चाहेंगे सनी पाजी की इन 5 फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।